वक्त मेरे साथ दुर्गेश पाठक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दुर्गेश जी, कैंपेन बहुत ताम झाम जोरों शोरों से, क्या कहेंगे, कितनी जीत की उम्मीद? देखिए, कैंपेन बहुत जोरों से इसलिए चल पा रहा है क्योंकि जनता का उत्साह बहुत, समर्थन बहुत मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं लोग एक तरफा कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत काम किया है, उन्होंने हमेशा हमारे दुखों में खड़े रहे, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे और उनका विधायक होगा तो काम और आसानी से होते चले जाएंगे। तो लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है तो उनका विधायक होना चाहिए। अपोजिशन के आरोपों को किस तरह से देखते हैं चुनाव में आप? देखिए, अपोजिशन का तो काम है आरोप लगाना, उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो है नहीं। 15-16-17 साल तक वो MCD के अंदर रहे, दिल्ली का क्या हाल बना दिया, हर तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, हर तरफ व्यवस्था खराब है, हर तरफ करप्शन है उनके उसमें, तो ये पूरा अपोजिशन सिर्फ इसमें लगी हुई है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पे चुनाव करो कि आपके 15 साल MCD के, अरविंद केजरीवाल जी के 6-7 साल दिल्ली सरकार के, इसके ऊपर डिबेट करिए, इसके ऊपर चुनाव लड़िए। राजेंद्र नगर में किन मुद्दों को लेकर इस वक्त आप जनता के बीच जा रहे हैं? राजेंद्र नगर में पिछले 2015 में से जब से हमारे यहाँ MLA हैं बहुत काम हुआ है। यहाँ पे अगर आप 5-6 साल पहले 7 साल पहले आते थे, ना रोड था, ना पानी की व्यवस्था थी, ना सीवर सिस्टम था, ना कोई हॉस्पिटल था। आज रोड्स बन रहे हैं, आज पानी की लाइन हर जगह, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, इस चीज को आप भी एक्सेप्ट करें। पानी की समस्या चूंकि इतनी धूप है और साथ ही साथ हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, बट फिर भी पानी की सप्लाई हर जगह जा रही है, पूरी तरह से पानी हर जगह जा रहा है, सीवेज सिस्टम बन रहा है, तो बेसिकली पार्कों का रखरखाव कराना है। तो सभी लोगों से मिलके, ब्लॉक वाइज मिलके, गांव वाइज मिलके एक पूरा प्लान बनाएंगे जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सके। आगे किस तरह के कैंपेन देखने के लिए मिलेंगे? और देखिए, आगे और कैंपेन बढ़ेगा, हम जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता से एक प्यार मोहब्बत वाली बातचीत है, जनता से पूछते रहते हैं कि कोई हमसे गलती हो तो हमें बताइए, हम ठीक करेंगे, और जनता बहुत खुश है, जनता हमें बताती भी है कि तुमने ये 10 काम कराए, ये 2 काम और करा दो हमारे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट दुर्गेश पाठक, जो कि MCD के प्रभारी भी है, वो इस वक्त राजेंद्र नगर उपचुनाव में कैंडिडेट है और उनका कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है। राजेंद्र नगर नारायणा विलेज की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरह से उनके जो समर्थक हैं उन्होंने पूरी रोड जो है उसको घेर रखा है, हाथों में प्लेकार्ड है और दुर्गेश पाठक के साथ साथ वो लोग चल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर इस उपचुनाव राजेंद्र नगर सीट जो कि राघव चड्ढा ने छोड़ी है, इसको जीतने का पूरा प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि इस सीट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सरकार बनने पे या फिर सरकार ना रहने पर, लेकिन जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहां से राघव चड्ढा रहे थे, विधायक रहे थे, अब उनके बाद दुर्गेश पाठक का पूरा प्रयास है कि वो इस सीट को जीते। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मध्य AVP न्यूज दिल्ली।